इमली के खट्टेपन से आई थिंक थोड़े मिठास तक पहुंच गया है आदित्य और इमली का रिश्ता, ऐसा लग रहा है मुझे देखकर। बारिश में भीग रहे हैं, हल्की सी मस्ती भी चल रही है, नोकझोंक भी चल रही है, कुछ सुधार हुआ है रिलेशनशिप में? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी टीआरपी बढ़ाना होता है तो हमें भिगा देते बारिश में। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है हम दोनों भीगते तो। और वो भी बिन मौसम बरसात होती है हमेशा। अरे हमेशा, हर बार यही होता है, कभी भी कुछ भी बरसात हो जाती है, पर हाँ सबको पसंद आती है वो। अच्छा, वैसे जिस तरीके का रिस्पॉन्स शो को मिला है, जिस तरीके की टीआरपीज आपकी आ रही है, बहुत ही कम वक्त में टॉप 3 शोज में अपनी जगह बनाने, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। दोनों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या फैक्टर है शो में जो दर्शकों का फेवरेट बनाता है इसे? आई फील, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये शो बहुत ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक के कई सारे मायने हो सकते हैं, कई सारे मतलब निकल सकते हैं, लेकिन आप जो इक्वेशन इन तीनों के बीच में है ना, आदित्य, इमली और उसके बाद मालिनी भी आती है उसके बीच, तो नहीं एक्चुअली तुम हमारे बीच आई हो, पर ठीक है। पर वो जो इक्वेशन है वो बहुत रियलिस्टिक जोन में रखा हुआ है। कहीं पे भी कोई भी कैरेक्टर ड्रामा क्रिएट करने के लिए या मेलो ड्रामा नहीं क्रिएट हो रहा है। आप देखोगे तो वो हर इंसान अपनी जगह पे एकदम सही है और बहुत जेन्युइनली काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद इस तरीके का शो आया है जहाँ पे इतनी जेन्युइनिटी और इतना ऑर्गेनिक फील है, जो अक्सर फिल्मों में और वेब शोज में होता है, लेकिन यहाँ पर इन स्पेशली इन रिलेशनशिप्स में वो ऑर्गेनिक फ्लेवर है जो लोगों के दिल को कहीं पे छू रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि आप इनके और मानिनी के बीच में आई हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप दोनों के बीच में आ गए, आपके और मानिनी के बीच में ये आए, ऐसा है? मेरे और मानिनी के बीच में कैसे आ जाएंगे? नहीं, वो अलग लव स्टोरी बन जाएगी। हाँ, वो बाद में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ नहीं, एक्चुअली हाँ मैं ही आई हूँ इन दोनों के बीच में, नहीं मालिनी आई है। अरे आई डोंट नो एक्चुअली। देखो यार, आई फील व्हाट शी वांट्स टू से, ऐसे मैं बोल देता हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी है अभी। बट आई फील ना कि देर इज एक रिश्ता होता है जो आप बनाते हो इस दुनिया में, जो आप बनाते हो अपने मन से, और एक रिश्ता होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो उसने बना के रखा होता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच का वो टशन है या क्या है, आप देख लो वो क्या। सो वो एक अजीब सा ट्रायंगल बन गया है, बगैर किसी ने कुछ जानबूझकर किए तो वो उस तरीके का है। तो कोई किसी के बीच में आया है ऐसे भी आप नहीं कह सकते। एक चीज है जो कंट्रोल में नहीं है, सर्कमस्टेंशियल है या नेचर ने फोर्स करके डाली हुई है, और एक चीज है जो हमने खुद से डिसाइड किया, जो मालिनी और मेरा रिश्ता है कि हम एक साथ रहेंगे। तो वो अजीब सा एक ट्रायंगल है इस शो में। रिलेशनशिप की जो उलझन है इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इमली, क्योंकि शादी तो इनसे आपकी हुई है और अब उसी घर में अपने पति के घर में नौकरानी भर के रहना पड़ता है, घर वालों के सारे ताने भी सुनने पड़ते हैं, ये भी नहीं बता सकती कि मैं आपके घर की बहू हूँ, इनकी बीवी हूँ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है इस वक्त इमली। खट्टापन कम तो नहीं हो गया इमली का? नहीं, इमली का खट्टापन वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इमली को जैसा दिखाया है कि वो बहुत लाइफ एंजॉय करने वाली लड़की है, तो उसको अगर आदित्य डांट भी दे इतना सुनाया है तो वो थोड़ी देर के लिए बुरा मानती है, बाद में वो सब भूल जाती है। सो वो तो कभी कम नहीं हो सकता, वो हमेशा ऐसी रहेगी, मस्त मगन टाइप की। अच्छा, कभी कोई ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट होगी कश्मीर जहाँ पे आप इमली को लेकर आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट होगा, क्या ऐसा होगा? आई फील एक हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, रोमांस नहीं कहेंगे हम इसे बिल्कुल, लेकिन एक हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब भी इंसान क्राइसिस में से गुजरता है, दो इंसान एक क्राइसिस में से गुजरते हैं, जो उसको गोली लगी थी उसमें से दोनों बच के निकले और कैसे भी करके यहाँ पे पहुँच गए, जब दो इंसान एक क्राइसिस शेयर करते हैं ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है किसी भी प्यार से बढ़कर अटैचमेंट उन दोनों में हो जाती है। उस क्राइसिस से जूझ कर अगर वो उससे बाहर निकलते, तो वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो अभी तक तो एटलीस्ट उस क्राइसिस के बाद डेवलप हुआ है, अभी आगे चलकर अभी कहाँ बताएं आपको, देखिए आप। लास्टली अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों, पहले इमली आपसे? मैंने तो इतना ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट किया नहीं था, क्योंकि मेरा ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं मैसेजेस भी अगर पढ़ूँ तो, और इतना पसंद कर रहे हैं शो को, मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री को इतना पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत सारा प्यार एक्सपेक्ट किया था, पर और प्यार आता रहे तो और मज़ा आ जाएगा। आई एम हैविंग अ गुड टाइम, आई फील ये साल अच्छा गुजरेगा, तो आप देखते रहिए इमली, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को रीइन्वेंट करते रहे, ये शो मोनोटोनस ना बने, अब तक तो हमने वो मेंटेन किया है, और आगे के 100 200 500 एपिसोड वही चलता रहे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे आदित्य और इमली, जिनकी खट्टी मीठी लव स्टोरी आप सभी को बहुत पसंद आ रही है। कैमरामैन अरुण के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।